तो सर ये जो बिजली बिल 51 रुपया आया है, हाँ, इसको कम करने के लिए यहाँ पर क्या क्या लगाया गया है? निशी जी, यहाँ पे क्या है, इनका जो सिस्टम है वो बैटरी लेस हाइब्रिड है, भी हमने लगाया है। इनका हाइब्रिड फ्यूचर प्लानिंग है कि मैं साल दो साल में इसको हाइब्रिड, कंप्लीट हाइब्रिड में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का भी कम ज्यादा गर्मी के टाइम पे फ्लक्चुएशन वाला इशू रहता है। अच्छा, तो यहाँ पर एक एक कंपोनेंट को समझते हैं, जो कंज्यूमर सोलर लगाना चाह रहे हैं वो एक एक कंपोनेंट को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें? अगर सबसे पहले आपको मैं बताऊँ तो ये लूम सोलर का 445 वाट का पैनल है, सॉरी 440 का है। अच्छा, 440 वाला पैनल, सार्क पैनल है। अच्छा, आपका मोनो हाफ कट सेल में अभी आपका 445 आ रहा है, बट उस समय 440 वाट आ रहा था। अच्छा, हाँ। तो ये 440 वाट का पैनल है। अच्छा। इस छत में भी है, आपका 8 पैनल है, बाकी रिमेनिंग पैनल्स आपके टॉप फ्लोर वाले छत पे है, क्योंकि यहाँ स्पेसियस नहीं था। तो इसमें नंबर ऑफ सोलर पैनल टोटल कितने लगे हैं? इसमें 36 या 38 एक बार काउंट करना होगा, 36 to 38 सोलर पैनल टोटल होंगे। हाँ। तो एक तो सोलर पैनल हो गया, ये जीआई स्ट्रक्चर मैंने दिया है। नहीं, इससे पहले हम आपको रोकना चाहेंगे, सोलर पैनल में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है मार्केट में, इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ रही है, मार्केट में बहुत सारे सोलर पैनल मार्केट में आ रहे हैं, ये सोलर पैनल और मार्केट में जो अभी अवेलेबल सोलर पैनल है, वो दोनों में बेनिफिट्स और बेनिफिट ये सब? अगर मैं बेनिफिट और पर्पस से आपको बताऊं तो कंज्यूमर जो मेरे यहाँ आते हैं, तो ज्यादातर कंज्यूमर या तो मार्केट होके आते हैं या मेरे से डिस्कशन करने के बाद मार्केट जाते हैं। मार्केट में अलग अलग ब्रांड है, ल्यूमिनस है, एक्साइड है, लिवगार्ड है, यूटीएल है। मैं किसी कंपनी का बुराई करने के पर्पस से नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बट जब मेरे साथ वो डिस्कशन करते हैं, मैं उनको जो इतना सेटिस्फाइड कर पाता हूँ, आई थिंक मार्केट में लोग नहीं कर पाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंजिंग है नेट मीटरिंग करवाना। अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम पे या हाइब्रिड पे जाते हैं तो नेट मीटरिंग का एक चैलेंजिंग है। सर, नेट मीटरिंग वाला पॉइंट ना, नेट मीटर के पास चले गए, वहां पर समझेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया कंपोनेंट सोलर पैनल। हाँ। दूसरा बता रहे हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की क्या खास बात है? ये स्ट्रक्चर जीआई स्ट्रक्चर है। आप इसको हमने इतना मजबूत किया है कि अगर ये 150 to 200 के भी स्पीड में अंदर आते हैं ना, फिर भी ये कुछ नहीं होगा। आप समझिए 150 और 200 के स्पीड में अगर टॉप फ्लोर 5 फ्लोर में आता है तो खिड़की का शीशा जरूर हो जाएगा, लेकिन ये पैनल कुछ नहीं होगा। अच्छा, इतना लॉन्ग लाइफ दिया? हाँ, क्योंकि ये पैनल का वारंटी 25 साल हम लोग दे रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हमने बेस स्ट्रक्चर भी तैयार किया है, ताकि 25 साल का वारंटी ये भी कवर करे। हमने रिटर्न इनको स्ट्रक्चर का नहीं दिया, लेकिन पैनल का तो दिया है। हाँ। लेकिन पैनल डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा है। अच्छा, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट स्ट्रक्चर हो गया, और उसके बाद हमने इसको प्रॉपर वायरिंग कर दिया है डीसी वायर से। वायर में इसमें कितने एमएम स्क्वायर एमएम का वायर? ये हमने इसमें 6 एमएम का डीसी वायर यूज किया हुआ लूम सोलर का, 6 स्क्वायर एमएम का डीसी वायर है। और इसका जो कनेक्शन है और इसका इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन कहाँ पर किया हुआ है? इसका इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन इसके जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे है। अच्छा, तो नीचे कितने सोलर पैनल लगे? यहाँ पे 8 पैनल लगे हुए हैं। यहाँ 8, 1, 2, 3, 4, 8 और बाकी सारा पैनल सुपर है। हाँ। तो ऐसे करके नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया कवर किया गया। तो ऊपर चल के देखते हैं कि क्या किस तरीके से कनेक्शन किया हुआ है, बाकी फाइनल आउटपुट नेट मीटर के पास गया हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। तो सर ये जो वहाँ से सारा कनेक्शन होके यहाँ पर डीसी डीवी लगा हुआ है, जी हाँ, तो डीसी डीवी के बारे में थोड़ा सा कनेक्शन बताइए कि यहाँ पर कैसे कैसे कनेक्शन किया हुआ है। ये क्या है कि हमने इसको आई थिंक 4 या 8 पैनल का एक सीरीज कर दिया है, 8 चौका 32। हाँ, 4-in-1 डीसी डीवी है ये। टोटल यहाँ 32 पैनल है। ओके, ठीक है। तो उसके लिए हमने 8-8 पैनल का एक सीरीज बना दिया है, और 8 चौका 32 हो गया 4-in और 1-out। आप यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 का है। अच्छा, ठीक है। तो नीचे 8 पैनल है, रिमेनिंग जो पैनल से ऊपर में लगा हुआ है, और इसको मैंने डीसी डीवी में कनेक्ट कर दिया प्रॉपर तरीके से, और डीसी डीवी से कनेक्ट होने के बाद वो मैंने इन्वर्टर पे लिया है। अभी डीसी डीवी तक सारा सोलर पैनल का कनेक्शन डीसी डीवी तक आया, जो 6 स्क्वायर एमएम वायर, 6 स्क्वायर एमएम लूम सोलर का लगा हुआ। उसके बाद जो है डीसी डीवी से इन्वर्टर, इन्वर्टर ये काफी एडवांस दिख रहा है सर। इन्वर्टर एडवांस है ये, एक्चुअली ये क्लोज किया हुआ है। तो एक बार इधर इधर आना।